हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये एसएससी सीजीएल में पूछे जा चुके हैं, और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा वो अपने आप में एक टाइप भी है, चूँकि एसएससी बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर देता है। तो आज आपको मैं 5 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बताऊंगा और उनको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा। ये मेथड आप अच्छे से देख लीजिए ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए या उसके जैसा ही कोई मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो वो आप इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की हम ये क्लास शुरू करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है और सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं, तो आप ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग ए है वह गुणनफल बी है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। ये एसएससी का बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है सीजीएल में। तो देखिए इसका मैं बताता हूँ आपको, दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं मान ली हमने एक्स और वाई, उनका योग कितना है, एक्स प्लस वाई है ए, और गुणनफल एक्स इंटू वाई कितना है बी। तो क्या बोल रहा है वो, उनके व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/x प्लस 1/y आपको बताना है कितना आएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, देखिए ये x प्लस वाई है पहला इक्वेशन, ये दूसरा है x इंटू वाई है। आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन वन में इक्वेशन टू का भाग देना है, बस आ गया आंसर। कैसे भाग दोगे, देखो इक्वेशन वन है एक्स प्लस वाई, इसमें इक्वेशन टू का भाग मतलब एक्स वाई का भाग, यहाँ भाग दोगे तो ए अपॉन वी बी आ जाएगा। इसको आप अलग अलग कर सकते हो ना, एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, ये कितना आ गया 1/y प्लस 1/x, कितना आता है आंसर, डायरेक्ट आता है ए अपॉन बी। तो एसएससी बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, इसकी जगह कुछ भी एग्जांपल दे सकता है। दो संख्याओं का योग 15 है और उनका गुणनफल कितना है, मान लीजिए 23, दो संख्याओं का योग है 15, गुणनफल है 23, सॉरी 23 नहीं हो सकता, कोई और नंबर लेना होगा, 28 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है, गुणनफल कैसे हो सकता है। तो दो संख्याओं का योगफल कितना है 15, गुणनफल कितना है 28, तो आपको बताना है उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। अगर आपको ये मालूम है तो आप डायरेक्ट इसको एक सेकेंड में आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर 15/28 होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये ट्रिक होती है, ये वेरिएबल के फॉर्म में आपको बता दिया, डायरेक्ट आंसर होता है ए अपॉन बी, तो आप इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वो पूछे ए अपॉन बी कर देना। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप है, दूसरा क्वेश्चन है, 1 से 100 तक गुणा करने पर कितने जीरो शून्य होंगे, मतलब अगर आप 1 से लेकर 100 तक के नंबरों का गुणा कर दो तो आपको कितने जीरो मिलेंगे। मैथमेटिकली क्या मतलब हुआ, 1 × 2 × 3 × 4 अप टू कहाँ तक, × 100 तक अगर आप गुणा कर दो तो आपको कितने जीरो मिलेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको 100 जहाँ तक गुणा करना है, कहाँ तक करना है 100 तक, तो लास्ट वाला डिजिट ले लो आप, ठीक है, उसमें आप 5 का भाग दो, 5 का भाग दोगे कितना आएगा 20। ठीक है, फिर ये 20 में फिर से 5 का भाग दो तो ये आ गया 4। अब 4 क्या है, 5 से छोटा है, अब भाग नहीं देना आपको, जब तक यहाँ 5 से छोटा नंबर ना आ जाए तब तक भाग देना है। ठीक है, अच्छा एक और बात बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं भाग पूरा पूरा जाए, तो आपको सिर्फ क्या लेना है भागफल, अगर कुछ शेष बच रहा है रिमाइंडर बच रहा है तो आपको वो छोड़ देना है। 100 की जगह 101 भी हो सकता था, तो 101 होता तो भी आंसर 20 ही आता, क्यों, भाग पूरा पूरा सिर्फ 20 तक जा रहा है, बस एक बच जाएगा उसको आप हटा दो। वैसे ही यहाँ 20 है, 5 का भाग दिए 4 आ गया, इनको आप जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 24, यही आंसर होगा। मतलब 1 से 100 तक मल्टीप्लाइड करोगे तो कितने जीरो मिलेंगे आपको, 24 जीरो।
इसका तरीका क्या है, अपन को लास्ट वाला डिजिट लेना है, उसमें 5 का भाग तब तक देते जाना है जब तक यहाँ छोटा नंबर ना आ जाए। 20 आ गया, फिर 20 में फिर से 5 का दिए तो 4 आ गया, और कोई अंक आता तो फिर से भाग देते जब तक 5 से छोटा ना आ जाए। यहाँ जो आता है उसको आप जोड़ लीजिए, इतने ही जीरो आएंगे इस सवाल में, ठीक है। अब आपको डाउट ये हो रहा होगा कि 5 से ही भाग क्यों दे रहे हो आप। फ्रेंड्स, 5 से भाग देने का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने नंबर लिखा 1 × 2 × 3 × 4 × 5, यहाँ देखिए 5 से भाग देने का रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको। आप ये नंबर को मल्टीप्लाइड करो, पहले यहाँ तक करो, आप सिर्फ करो 1 × 2 2 × 3 6 6 × 4 कितना जाएगा 24, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 का जब मल्टीप्लाइड करोगे, देखो अभी तक तो कोई ज़ीरो नहीं आया, 1 से 4 तक मल्टीप्लाइड में कोई ज़ीरो नहीं आया, लेकिन जैसे ही 5 का मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 120, तो ज़ीरो बन जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो बनाने वाला जो फैक्टर है वो कौन सा है, वो 5 है। क्लियर स्टूडेंट्स, ज़ीरो बनाने वाला जो फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है 5, ठीक है। यही वो फैक्टर है जिससे ज़ीरो बनते हैं, मतलब अगर 5 आ जाएगा तो ज़ीरो बनेगा, ठीक। या दूसरा फैक्टर होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 0 आ जाए तो 0 बन जाएगा। तो 0 कैसे आएगा, जब आप 10 लोगे, 20 लोगे, 30 लोगे, तब 0 बनेगा, है ना। तो हम 0 को छोड़ देते हैं और 5 को ले लेते हैं। 5 एक ऐसा फैक्टर है जिसका जिससे हम क्या बना सकते हैं, 0 बना सकते हैं, इसलिए 5 का भाग दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। कितना भी बड़ा नंबर आपके पास आ जाए, आप 5 से भाग देते जाना तो आंसर आता जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को अगर आपने फैक्टोरियल पढ़ा हो तो अपन 1 से 100 तक का मल्टीप्लाइड अगर लिखोगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, फैक्टोरियल 100, या इसका एक साइन और क्या होता है, 100 फैक्टोरियल। अगर आपसे यही क्वेश्चन को ऐसा बोल दे कि फैक्टोरियल 100 या 100 फैक्टोरियल में कितने ज़ीरो आएंगे, तब भी आपको यही करना है, क्योंकि इसका यही मतलब होता है 1 × 100, 1 से लेके 100 तक मल्टीप्लाइड, तो भी आपको क्या करना है, 5 का भाग देना है। इसकी जगह कोई भी नंबर आ सकता है, निकालने का नियम सेम। अगला सवाल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, 3 अंकों की संख्या को उसके योग से घटा दें तो भाग जाता है। मतलब एक 3 अंकों की कोई भी संख्या ले लो आप, उसको उसके नंबर जो डिजिट्स हैं उनका योग कर दो और उसमें से उसको घटा दो तो जो आपको संख्या मिलेगी उसमें किससे भाग जाता है, ये पूछ रहा है। 3 से जाएगा 9 से जाएगा, 3 × 9 से जाएगा, या 3 × 6 और 9 से जाएगा। अब यहाँ पर आपको 3 से भाग जाने का नियम, 9 से भाग जाने का नियम और 6 से भाग जाने का नियम पता होना चाहिए, तब तो आप देख के बताओगे ना। तो इसके लिए आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर विभाजकता के नियम वाला वीडियो देखिए, उसमें से मैंने सबके नियम बताए हुए हैं, कौन से नंबर का भाग कब जाता है, वहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा वो पूरा कॉन्सेप्ट। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसमें बताने की आपको। देखिए 3 अंकों की संख्या, तो कोई भी संख्या ले सकते हैं हम, हमने ले ली एग्जाम्पल के तौर पर 111, 3 अंकों की संख्या को उसके योग से, मतलब ये जो डिजिट हैं इनका योग कर लो, 1 + 2 + 1 + 1 + 1 कितने बार, 3 बार ये योग हो गया, इसको घटा दो मतलब इस संख्या से इसको घटाओ तो कितना आ गया 108। ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है, मतलब 3 अंकों की संख्या, फिर उसके डिजिट का योग कर लो, फिर उसको उसमें से घटा दो तो जो नंबर मिल रहा है वो किससे डिवाइड होगा, 3 से 9 से, 3 × 9 से, 3 × 6 × 9 से। तो देखिए 3 का नियम क्या होता है, जैसा 3 का वैसे ही 9 का। 3 का नियम क्या होता है, इन डिजिट्स को जोड़ लो, इनको आप जोड़ोगे आपस में, 1 + 0 + 8 कितना जाएगा 9। क्या 9 जो है 3 के टेबल में आता है, आता है, तो 3 से भाग चला जाएगा। सेम रूल 9 का भी यही है, इनके अंक को जोड़ लो 9 आ गया, क्या 9 के टेबल में 9 आता है, आता है, ठीक, इसका मतलब 9 से भी भाग जाएगा।
तो हमारा आंसर कौन सा हो सकता है? 3 व 9। लेकिन 6 का नियम पता है आपको? 6 का नियम होता है अगर नंबर में 2 से भी भाग जाए और 3 से भी जाए तब 6 से भाग जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस संख्या में 3 से भाग जा रहा है, 9 से जा रहा है और 6 से भी जा रहा है, ठीक है, इस संख्या में जा रहा है भाग। लेकिन हम एक और एग्जांपल से चेक करते हैं क्या सब में ऐसा हो रहा है। तो अगला एग्जांपल ले ली 1 2 3, 123 ले ली। अब इसके डिजिट को जोड़ लो, 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा, 6। इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 117। अब देखिए 7 और 2 9, तो 3 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर 6 से नहीं जा रहा भाग, 6 से नहीं जा रहा ना, 3 से जा रहा है और 9 से जा रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लो, यहाँ देखिए अगला एग्जांपल 2 3 4, 234। इसमें से आप इसके योग को घटाओगे, 4 3 7 2 9, तो कितना आएगा? 225। 5 4 9 हो रहा है ना, कितना हो रहा है? 9। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 9 आ रहा है, मतलब 3 से जा रहा है, 9 से जा रहा है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कुछ सवालों में 6 से भाग जाता है और कुछ में 6 से नहीं जाता है। सिर्फ कन्फ्यूज़न किस में है? 6 वाले में है हमको, 3 और 9 से तो सब में जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो सदैव किससे भाग जाएगा? 3 और 9 से। 6 से हम कह नहीं सकते कि जाएगा कि नहीं जाएगा, 6 से डाउटफुल है, कुछ में जा रहा है कुछ में नहीं जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3 और 9, इनसे तो कंफर्म जाना ही है भाग, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 7 5 6 8 9 6 में जोड़ें तो 11 से विभाजित हो जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को? इसके लिए हमें 11 से विभाजित होने का नियम पता होना चाहिए, तो आप उस लेक्चर को जाके देख लीजिए, विभाजकता के नियम। यहाँ देखिए 11 से विभाजित होने का नियम क्या है? पहले नंबर्स को लिख लो आप, 7 5 6 8 9 6। इसमें क्या देखी जाती है? पोजीशन, ये कौन सी? पहली, दूसरी पोजीशन, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवी, ठीक है। तो इसका नियम क्या होता है? सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थान पे कौन से हैं? देखिए ध्यान से, सम स्थान पे मतलब ये दूसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन और छठवीं पोजीशन, इनको जोड़ लीजिए, 5 8 5 13 और 6 19 माइनस विषम स्थान, 1 3 5, तो 7 6 13 और 9 22, ये जो है 0 आना चाहिए, या तो ये 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो 11 से संख्या विभाजित हो जाती है। तो यहाँ देखो 19 में से 22 घटा रहे तो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमको क्या लाना है? इसको 0, तो 19 को क्या बनाना पड़ेगा? हमको 22 बनाना पड़ेगा। तो इसको 22 कैसे बनाओगे? देखो कहाँ का डिजिट है ये? सम स्थानों का, तो सम स्थान मतलब 5 8 5 13 और 6 19, ये हो रहा है 19, तो 6 19 बना रहा है। अगर यहाँ पर हम 3 और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, तो जो 19 से 3 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा? 22, तो 22 माइनस 22 कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। 9 बनाने के लिए आप क्या जोड़ोगे? 3 जोड़ोगे ना, तो ये हो गया चौथा सवाल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सवाल देखिए स्टूडेंट्स, 91 प्लस 92 प्लस 93 अप टू 110, ये हमको ऐड करना है। अब आपको इसको ऐड करके आंसर निकालना है। तो देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, समेशन इज इक्वल टू एन इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। इससे कर दो, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म हैं? देखो 91 से लेके 100 तक कितने हो जाएंगे? 10।
और 101 से लेके 10 तक कितने हो जाएंगे, 10, तो 10 और 10 कितने हो गए 20, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई 20, इंटू फर्स्ट कितना है 91, लास्ट कितना है 110, डिवाइड में कितना है 2, ये कैंसिल कर दो, 2 से कट जाएगा 10 बार, ये जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 नौ 1 10, 201 और गुणे 10, तो कितना जाएगा 2010। इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये एसएससी सीजीएल के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे और बेसिक टाइप भी हैं ये, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।